मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा की व कोरोना की रोकथाम में किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों की जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा की तथा उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किए गए सहयोग का अभूतपूर्व योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना यद्यपि नियंत्रण में आया है किंतु कोविड-19 अनुकूल व्यवहार करके हमें आने वाले समय में तीसरी लहर को रोकना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उज्जैन NIC से उज्जैन जिले के कोविड प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, ADM नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर अभि प्रसाद एवं SS रावत, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले के सभी कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा की। उज्जैन में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से आग्रह किया कि जब रेस्टोरेंट 50% क्षमता में संचालित किया जा रहा है तो मैरिज गार्डन को भी इसी तरह से अनुमति दी जाना चाहिए। सांसद अनिल फिरोजिया ने मुख्यमंत्री से कहा कि उज्जैन जिले में हमने यह तय कर दिया है कि जो भी व्यापारी दुकान खोलेंगे वह सभी आगामी 7 दिनों में वैक्सीनेशन करवाएंगे। वैक्सीनेशन नहीं करवाने की अवस्था में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इसी तरह के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। विधायक पारस जैन ने मुख्यमंत्री से कहा कि वैवाहिक आयोजन के लिए वर पक्ष को 100 एवं वधु पक्ष को 100 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी के परिजनों को वे जहां निवास कर रहे हैं वहीं पर अनुकंपा नियुक्ति देने का आग्रह किया।